मैं परविंदर रंधावा फिर एक यूनिक कंसेप्ट के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। बेसिकली मेरी जो वीडियो है ये अवेयरनेस ड्राइव है, एक दिमाग में बैठाने वाली बातें हैं, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। आज का जो यूनिक कंसेप्ट मैंने लिया है वो है इंडियन ड्राइविंग के ऊपर, कि हमारी ड्राइविंग कितनी महान है उसके बारे में मैं कुछ विचार वो कहते हैं प्रकट करने जा रहा हूँ, राइट। और इसके अंदर मैंने जो सोचा है, मैंने सबसे पहले मैं इनके अंदर लूंगा बाइक ड्राइविंग पे। इतनी नाइस बाइक ड्राइविंग है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि एक बाइक पे कितने बंदे मतलब कि ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे कल्चर में यही सिखाया जाता है कि जितना हमारी कंट्री में बच्चों को प्यार है उतना शायद किसी कंट्री में नहीं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक बाइक के ऊपर राइट एक जेंटलमैन बैठे होंगे, ये नहीं पढ़े लिखे नहीं अच्छे पढ़े लिखे होंगे, एक बच्चा उन्होंने आगे बैठाया होगा टैंकी के ऊपर, एक बच्चा बीच में बैठाया होगा, एक बच्चा लेडी के हैंड में होगा, राइट। और लेडी की जो मतलब की स्ट्रॉल है या चुन्नी है वो टायर को टच हो रही होगी, और भाई साहब की जो बाइक की स्पीड है वो 80+ होगी। और सबसे बड़ी बात, खतरों के खिलाड़ी वो अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे, बच्चे ऐसे ड्राइविंग करनी है, ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनना है। ये नॉमिनल सा सीन है जो आपको हर रोड पे मिलेगा, इवन इफ सिटी के अंदर भी और आउटसाइड सिटी भी, और अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे कैसे ड्राइविंग करनी है, राइट। और अगर कोई कमी रह जाए तो कई भाई साहब के मुंह में बीड़ी भी मिलेगी आपको ड्राइव करते हुए, या सिगरेट मिलेगी, और हरियाणा रोडवेज जैसी बसों से वो साइड मांग रहे होंगे और आगे से ट्रक आ रहे होंगे। अभी और कसर रह जाए उसके अलावा वो क्या करेंगे, एक बैग बाइक के इधर होएगा, एक बैग इधर होएगा। कम से कम ये कह सकते हैं कि वेल मैनेज फैमिली वेल मैनेज ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। तो ये है हमारी ड्राइविंग की सबसे बड़ी मिसाल जो मैंने आपको दी है, कि किस तरह इंडियन ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी ड्राइविंग की कला को रोड्स पे दिखाते हैं, राइट। आज सुबह का ही एग्जाम्पल है, वेल एजुकेटेड फैमिली थी, दोनों वेल एजुकेटेड थे, और बच्चे को ऐसे हैंड में पकड़ा हुआ था बाइक पे बैठे हुए पीछे लेडी ने, कि पता नहीं कि बच्चा कब जंप मार के कहीं पहुंच जाए। और आई थिंक बच्चे की जो एज होएगी 1 ईयर होएगी। कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है रिगार्डिंग दिस, कि बच्चे की जो मतलब की फैसिलिटी है, बच्चे की जो ड्राइविंग डेंजर है उसके ऊपर क्या बात है, कोई अवेयरनेस ड्राइव नहीं है। फिर भी हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये हमारा जो है सिस्टम है, राइट। इसी तरह अगर आपको बाइक रोड पे चल रही हो, अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो अगर आपको रोड क्रॉस करना हिम्मत है, अगर आपको कोई कार वाला या बाइक वाला साइड दे दे और आप रोड क्रॉस कर लो, इम्पॉसिबल। अगर आप करने की हिम्मत भी करोगे, स्टेप भी रखोगे जीब्रा क्रॉसिंग पे, तो उनकी स्पीड और तेज हो जाएगी और आपको ऐसी आंखें दिखा के जाएंगे जैसे खाने को पड़ेंगे आपको, कि तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, पहले मुझे क्रॉस करना है। ये सोच है हमारी ड्राइवर्स की। और कार वाला या बाइक वाला किसके साथ कम्पीट करेगा, बाइसाइकिल वाले के साथ, पैदल पर्सन के साथ, और मोर ओवर किसके साथ, साइकिल रिक्शा के साथ, इन लोगों के साथ कंपीट करेगा। ऐसी है हमारी मेंटेलिटी ड्राइविंग की। फिर भी हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा कल्चराइज्ड हैं, सबसे ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बाइक पे उन्हें लेके ऐसे घूमते हैं जैसे फ्री माइंड है, राइट। ये एग्जांपल्स अगर आप अभी भी ट्रेवल कर रहे हो या अभी भी कभी सोच रहे हो, ये एग्जांपल्स एक कॉमन एग्जांपल्स है जो आपको हर रोड पे हर जगह मिलेंगे, ये जिन लाइफ में ध्यान रखना बिल्कुल, राइट। इसी तरह आगे हम चलते हैं, अगर हम सोचे कि कोई कार ड्राइवर है, गिववे का किसी को पता नहीं गिववे है क्या, अगर किसी को बात भी करोगे ना गिववे तो कहेगा ये है क्या, राइट। और कई जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं गिववे, और हैरानी की बात ये है बोर्ड कहाँ लगे, कंट्री साइड एरिया में, गाँव में बोर्ड लगा हुआ है गिववे, राइट। किसी से आप बात करके देखो भाई तेरा गिववे क्या है, तो कहेगा है ये होता क्या है, राइट। इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट ड्राइवर्स को देखते हैं, तो अगर वो बेल्ट मान ले जब प्यार से चला ले तो मजाल है, ऐसे अक्कड़ से चलाएंगे अपनी गाड़ियों की पता ही नहीं कि उनके आगे मतलब कि वो रोड पे किसी को समझना ही नहीं है, राइट। आप देखिए कभी भी कितने रूल्स को मेंटेन, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी रेड लाइट तो चलो अब उनकी रही नहीं, राइट। ब्लू लाइट गवर्नमेंट व्हीकल्स में मैक्सिमम उतर चुकी है, रह गया अब सायरन, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी मिनट में सायरन, चाहे अकेला ड्राइवर घूम रहा है, क्योंकि पावर पावर किसके अंदर घूमती है, कार व्हीकल के अंदर। सबसे बड़ा मजाक जो बन चुका है वो ये है, हर कार पे फ्लैग रो, डैट इज झंडी, क्या मजाक की बात है। गली का प्रधान होएगा तो भी लिखवा देगा प्रधान फलानी गली, राइट। सिर्फ मतलब कि इसका मतलब एक स्टेटस को आप अपनी कार पे लेके घूम रहे हो, रोड पे लेके घूम रहे हो, राइट, अपने आपको दिखा रहे हो भाई। मतलब इससे अच्छा आपका मतलब कि इससे पता लगता है कि आपका आचरण आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, कि आप अपनी पावर को अपनी डोमिनेशन को गली के प्रधान वाली डोमिनेशन को भी रोड के ऊपर दिखा रहे हो,
गली में तो क्या दिखाओगे, रोड के ऊपर दिखा रहे हो। तो ये कुछ सोचने वाली बातें हैं। एक अवेयरनेस ड्राइव चलाना चाहता हूं मैं, बल्कि बिल्कुल अलग यूनिक कॉन्सेप्ट लाके कि अवेयरनेस ड्राइव। माइंड में सोचो कि आपने अगर अपने बच्चे को बाइक के ऊपर बैठा रखा है, बच्चे की 5 साल की एज है, बच्चा आपके आगे बैठा है पीछे बैठा, उसके लिए आप कितना डेंजर क्रिएट कर रहे हो। कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपस में, राइट, इसीलिए हम दुनिया से सबसे निराले हैं। तो यही था मेरा आज का कंसेप्ट छोटा सा, जिसको मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के थ्रू। समझ आए अच्छी बात है, ना समझ आए तो भी अच्छी बात है, राइट। देखते रहिए जरूर परविंदर रंधावा गुरु या गुरु परविंदर रंधावा का चैनल, जो बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएगा, जिस चैनल का नेम है गुरु परविंदर रंधावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जुड़े रहिए इस वीडियोस के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो आपको फेसबुक पे मिलेगी परविंदर रंधावा गुरु, गुरु परविंदर रंधावा के नाम से, राइट। सो नेचुरली ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट, ये तो अभी स्टार्टिंग है माय डियर, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट पड़े हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आप आते रहेंगे। क्योंकि मैंने जो चीज देखी है कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, नेचुरली वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेपरेट होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फेलो, माई डियर ग्रेट इंडियन सिटीजन। ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी बनाते रहो रोड के ऊपर, खेलते रहो रोड के ऊपर, अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रैवल कराते रहो, चाहे वो कार में हो, चाहे वो उसमें हो, बाइक के ऊपर। आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी बाइक सेफ्टी या कार सेफ्टी की बात आती है, कोई भी एडवर्टीजमेंट बनती है, कोई भी एड बनती है, तो उसमें बच्चों को दिखाया जाता है। पता सबको है, सोच सबकी है, तमाशा सब देखते हैं रोड के ऊपर, लेकिन बोलता कोई है। Thanks once again for watching this video.